ये क्या फुकरा इंसान के खिलाफ मेकर्स की साजिश है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेकर्स जो है वो कभी भी इस बिग बॉस में कभी भी वाइल्ड कार्ड जो है जीत नहीं पाया, और कभी जब शो अच्छा चलता है तब मेकर्स बीच में काफ़ी सारे लोगों को बुलाना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट को, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को बुलाना चाहते हैं, जो कि यही बात बोलते हैं कि नहीं, हम वाइल्ड कार्ड में नहीं आएंगे क्योंकि वाइल्ड कार्ड कभी जीतता नहीं है। इसीलिए जो है मेकर्स इस बार कहीं ना कहीं एल्विश को जिताने की कोशिश कर भी रहे हैं अपनी तरफ से, और एल्विश जो है लीड भी कर रहे हैं, और उनके फैंस जो है लगातार एक्चुअली में वोट भी कर रहे हैं। देखा जाए वोटिंग के हिसाब से भी वाइल्ड कार्ड एल्विश यादव जो है वो ये खिताब जो है जीतने वाले हैं। पर एक साजिश और देखने के लिए मिली फुकरे इंसान के खिलाफ, कि फुकरे इंसान को फीवर है, ठीक है, उनकी तबीयत खराब है, उनको रेस्ट मिल रही है। अगर आप इतनी ही केयर करते हैं, एटलीस्ट घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो एटलीस्ट फ्रूट्स भेजने चाहिए फुकरे इंसान के लिए कि वो जल्द से जल्द रिकवर करे। कितनी सारी रिहर्सल्स होगी, कितना ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, पर उनके लिए कुछ घर में भेजा तक नहीं जा रहा है। और दूसरी ओर उनको सोते हुए, लेटते हुए, लेजी होते हुए दिखाया जा रहा है थोड़ा थोड़ा, और बाकी जो है पूजा भट्ट और बेबिका की बकवास जो है सुनाने के लिए दिखाया जा रहा है। पर वहीं पर अगर देखा जाए तो पूजा भट्ट जब बर्तन धो रही थी तब फुकरा इंसान जो है वॉक कर रहे थे, घर में जो है घूम रहे थे, घर में जो है दूसरे लोगों के साथ हंसी मजाक बातें कर रहे थे। ये 36 डिग्री के एंगल से जो है मैंने देखी है, पर ये चीजें जो है ये दिखाई नहीं जा रही हैं। मेकर्स जो है एक बड़ी साजिश रच रहे हैं कि इस फुकरे इंसान को जो है डल कर दिया जाए। लोग यही बातें बोले कि हाँ भाई वो तो दिख ही नहीं रहा, वो तो टेंशन लेके बैठ गया। टेंशन हुई है और ये भी एक नेचुरल चीज़ है कि हाँ भाई टेंशन हुई है। अगर आपको भी जीतना होगा, किसी किसी का नेचर ऐसा रहता है कि वो बर्डन ज़्यादा ले लेता है और बर्डन के कारण तबीयत खराब हो जाती है। अभी फुकरे इंसान ने बर्डन ज़्यादा लिया, तबीयत खराब हुई है, पर तबीयत को ठीक करने के लिए मेकर्स को भी तो कुछ करना चाहिए। पर मेकर्स जो है इसका फायदा उठा रहे हैं कि वो रिकवर ना हो जल्दी। क्या कहते हैं आप, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।